हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढ के लाई हूँ जिनको आप बाय कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। और इन सभी स्टॉक्स ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है वॉल्यूम के साथ, तो आप इनको बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो शेयर करती हूँ उनसे आपको फायदा हो सके और आपको सही समय पर मिल सके वो सभी। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला स्टॉक है जिसने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया है वह सुप्रीम पेट्रोकेम। सुप्रीम पेट्रोकेम में एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बना हुआ था और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए ये मल्टी टाइम अटेम्प्ट कर चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मल्टी टाइम अटेम्प्ट कर चुका है यहाँ पे और फाइनली ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है वॉल्यूम के साथ में। आप देख रहे हैं इसका वॉल्यूम राइज हुआ है और इसने वॉल्यूम के साथ में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो लोग रिस्की ट्रेडर हैं वो इस स्टॉक को इस कैंडल के हाई पे बाई कर सकते हैं यहाँ पे और कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जो लोग सेफ प्ले करना चाहते हैं वो इस स्टॉक को रिटेस्ट होने का वेट कर सकते हैं और जब ये रिटेस्ट होने के लिए इस रेजिस्टेंस लेवल पे एक बुलिश कैंडल क्लोज करता है तब आप इसको बाई कर सकते हैं और आप कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो लोग अभी बाय करना चाहते हैं उसके लिए आपका जो लेवल है वो है 720 और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो है 680 और आपके टारगेट रहेंगे 750 और 775। तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है केआरबीएल। केआरबीएल में ये जो एरिया है ये एक्टर का रेजिस्टेंस वर्क कर रही थी अभी तक, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था जो कि वॉल्यूम के साथ में ब्रेक हो चुका है। यहाँ पे ये ब्रेक हो चुका है वॉल्यूम के साथ में, तो आप केआरबीएल को 332 के ऊपर बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 306 और जो आपके टारगेट देखने को मिलेंगे 350 और 385। तो आप केआरबीएल को स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बाय करके रख सकते हैं, आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो आप इसको भूलेगा मत। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है TWL, टीटागढ़ वैगन्स। टीटागढ़ वैगन्स में एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था और इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है बिग वॉल्यूम के साथ में। इसे देख रहे हैं आप, एक सिमेट्रिक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था और इसने अब इस पैटर्न को वॉल्यूम के साथ में ब्रेक किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉल्यूम कितना राइज हुआ है। फ्रेंड्स, तो आप अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो इसको इमीडिएटली बाय कर सकते हैं 110 पे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 96 और जो आपके टारगेट रहेंगे वो है 115 और 125। और फ्रेंड्स, अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को रिटेस्ट होने तक वेट करिए और जब इस रेजिस्टेंस पे आके ही बुलिश कैंडल क्लोज करते हैं यहाँ पे, जब ये रिटेस्ट करने के लिए आता है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज करते हुए दिखाई देती है आपको, तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं और इस कैंडल के लो पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं और कैंडल के हाई पे बाय कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसमें आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं टीटागढ़ वैगन्स में। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड में भी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था जो कि वॉल्यूम के साथ में अभी ब्रेक हुआ है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस था और ये अटेम्प्ट कई बार अटेम्प्ट किया है इसने इसको ब्रेक करने के लिए। फर्स्ट टाइम यहाँ पर अटेम्प्ट किया और यहाँ पर इसने सेकेंड टाइम पर अटेम्प्ट किया है और फाइनली ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर चुका है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि टीवी 18 में जो वॉल्यूम है इसने ह्यूज वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया है इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को
तो आप इसको बाई कर सकते हैं 42 पे, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसमें वो है 37, और जो आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं वो है 45 और 550। तो फ्रेंड्स, आप इस स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में बाई करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट स्टॉक है त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड। त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड में ये एक रेजिस्टेंस था जो कि ब्रेक हो चुका है वॉल्यूम के साथ में, ये एक रेजिस्टेंस था जो कि वॉल्यूम के साथ में ब्रेक हुआ है। तो आप त्रिवेणी टर्बाइन को बाय कर सकते हैं 180 पे, और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो है 163, और जो आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं इसमें वो है 190 और 210। फ्रेंड्स, त्रिवेणी का जो ब्रेकआउट हुआ है वो बिग वॉल्यूम के साथ में हुआ है। देखिए यहाँ पे कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है ब्रेकआउट लेवल। तो फ्रेंड्स, ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें आपको अच्छे अपमूव देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको बाय करिएगा स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गुड डे, गुड ट्रेडिंग।